हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार भाटी और यूट्यूब की इस एकेडमी में आपका डिलाइट एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पार्ट फाइव में हैं अभी और हिरन्स फाउंडा के क्वेश्चंस चल रहे थे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे पॉइंट पे चलेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से डिस्कस करा दूँ कि अभी तक हमने पार्ट फोर तक कवर करवाए थे सारे क्वेश्चंस, मगर पार्ट फाइव के अंदर ये थोड़ा क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंदी है, काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि आपको दो बार हिरन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी निकालना है और इसके अंदर ए बी इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर एंड ए डी इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर दिया हुआ है। साथ में एक डायगोनल की वैल्यू ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है। अब देखो, डायगोनल को देखने के बाद ये जो क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम इसको पार्ट वन दे देते हैं और इसको हम पार्ट टू अलाउ कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो पहले हम पार्ट ए के लिए एरिया फाइंड करेंगे और सेकेंड में हम पार्ट टू का एरिया फाइंड करेंगे, फाइनली दोनों का एरिया हम एड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पार्ट वन की बात करूं तो पार्ट वन के अंदर क्या करेंगे हम, मैं यहां पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं, पार्ट वन का ट्राइंगल। यहां पे थ्री है, यहां पे फोर है और यहां पे फाइव है। देखो यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर और यहाँ पे ये फाइव हो गया। तो पार्ट वन के लिए ए कितना हो जाएगा थ्री, बी कितना हो जाएगा फोर और सी कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब पहले हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे, थ्री प्लस फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन प्लस फाइव 12 सेंटीमीटर हो गया। अभी सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू 12 बाई टू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया, राइट। अभी एरिया ऑफ पार्ट वन क्या हो जाएगा, एरिया ए इज इक्वल टू एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एरिया ए इज इक्वल टू एस कितना था आपका सिक्स। जल्दबाजी करोगे तो यहां पे गलती होने के चांसेस 100% रहते हैं, नंबर आगे पीछे हो जाएगा और आपका पूरा सम गलत हो जाएगा। एरिया ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री टू वन, एरिया ए इज इक्वल टू सिक्स इंटू थ्री टू जा सिक्स, एरिया ए इज इक्वल टू सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, एरिया ए इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमें पार्ट वन का एरिया क्या मिला, सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। अभी हम पार्ट टू की फाइंड करेंगे। पार्ट टू के अंदर क्या, हम पहले तो डायग्राम बना लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट टू का एरिया फाइंड करेंगे और पार्ट वन का एरिया कितना मिला हमें, सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। पार्ट टू का एरिया फाइंड करने के लिए पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पार्ट टू के अंदर डायग्राम कुछ इस तरीके से थी, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। एक बार आप कंफर्म जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपने गलती की तो पूरा सम गलत हो जाएगा, 5 5 4 5 5 और 4, ओके। यहाँ पे हमें ए की वैल्यू मिल रही है 5
5 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू मिल रही है 5 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू मिल रही है 4 सेंटीमीटर। पहले हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे, 5 + 5 + 4 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू 14/2 7 सेंटीमीटर। अब एरिया A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S, S-A, S-B, S-C। एरिया A इज इक्वल टू S की वैल्यू 7 थी, 7 - 5, 7 - 5, 7 - 4। एरिया A इज इक्वल टू 7, 2 बचेगा, 2 रिमेन होगा और यहाँ पे 3। एरिया A इज इक्वल टू, यहाँ पे दो बार 2 आ रहे हैं, 7 × 3 × 2 raised to 2, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। एरिया A इज इक्वल टू 2 raised to 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी पार्ट 1 + पार्ट 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर मिलेगा। तो पार्ट 1 का एरिया कितना आया था, करीबन ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे पार्ट 1 का एरिया कितना आया था, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था और यहाँ पे 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अगर आपको थोड़ा स्टेप एक और भी करना और भी आपको एक स्टेप आगे जाना है तो 6 + 2√21 इज इक्वल टू 2 × 3 + 2√21। आप चाहो तो देखो प्लस प्लस, 6 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 को मैं बाहर ले रहा हूँ, 3 + √21 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका फाइनल एरिया होगा क्वाड्रिलेटर का। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल आपको शर्ट्स के रूल्स मालूम हैं, मैंने एक्सपोनेंट वाली सीरीज में आपको ये शर्ट्स वाले रूल सिखाए हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप वो रूल्स एक बार देख लीजिए, कैसे स्क्वायर रूट को सॉल्व किया जाता है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, हम आपको एक और वीडियो में मिलेंगे पार्ट 6 के अंदर, जिसमें आपको एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार आता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो हमारी वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है आपको, अगर हेल्पफुल हो रही है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हम आपको मिलेंगे पार्ट 6 के अंदर। थैंक यू।